डॉक्टर सुनील करपे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साईं वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे, आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। नमस्कार। प्रारंभ करो, जारी रखो, इसी विचारधारा से भूमिकाएं जुड़ेगी। राष्ट्र निर्माण के कार्य के लिए साईं वाणी को प्रारंभ किया और राष्ट्र के निर्माण के साथ साथ एक अच्छा नागरिक, एक प्रसन्न नागरिक, एक प्रसन्न इंसान और एक ध्यान के साथ खुद को प्राप्त करने की शक्ति और शक्ति के साथ भक्ति के साथ जोड़ने वाला, सकारात्मक सोच के साथ जोड़ने वाला इंसान बनाने के लिए हमने प्रयास किया। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। और इस संकल्प का धन होता है दृढ़ता होती है, विश्वास होता है, त्याग होता है, समर्पण होता है, भावना होती है और सादगी होती है। इन्हीं सब विचारों के साथ हमें कार्य करना है और ये कार्य इतना आसान कार्य नहीं है। किसी के इंसान के जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है और वो बहुत कुछ करना है ध्यान के साथ जुड़ना। ध्यान एक बहुत सर्वसामान्य क्रिया है, लेकिन इस सामान्य क्रिया को असामान्य करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। हम बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरे के जीवन में क्या चल रहा है उसको देखने में ज्यादा उत्सुक होते हैं, ना कि हमारे जीवन में कैसे बदलाव आए। मैं छोटी सी कहानी आज कहना चाहता हूं। ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण और प्रीतिपूर्ण कहानी है। कहानी से बोध लेना चाहिए कि हमें कैसे जीना चाहिए। पॉजिटिव सोच से हम बहुत आगे जाते हैं। एक सर्वसामान्य लेवल पे अगर देखा जाए तो एक दिन में 70,000 विचार अपने मन में आते हैं, तो आप रोक क्यों रहे विचारों को? आप आने दो विचार, उनकी तरफ देखो मत, निकले करना उनको, क्योंकि जब तक आप विचारों के पीछे पड़े रहोगे उतने ही गहरे में थक जाओगे। लेकिन उसको अगर निगले करने की आपको आदत लग जाएगी तो आपके विचार ऑटोमेटिकली कम होते जाएंगे और आप आसानी से ऊर्जा के साथ प्राप्त हो जाओगे। ये ऊर्जा है विचारों की ऊर्जा, ये ऊर्जा है प्राण की ऊर्जा, और इस प्राण ऊर्जा को माइंड ऊर्जा से जोड़ना है। और इसके लिए मैंने आज बालाजी जी, इसका जो मेन विषय है उसका नाम है सकारात्मक सोच का परिणाम। सोच, हर कोई अपने शरीर को जो डायरेक्शन दी जाती है वो सोच से दी जाती है। अभी ये हाथ है आपके सामने रखा है मैंने, और मैं अभी कह रहा हूं कि मुझे मुट्ठी बंद करनी है। मैंने मन में कहा मुट्ठी बंद करनी है, ऑटोमेटिकली मुट्ठी बंद हो रही है। जो विचार हम सकारात्मक सोच के साथ कर सकते हैं, भूमिका के साथ कर सकते हैं, सादगी के साथ कर सकते हैं, उसी में तो विचार है। हम इतने सोचते हैं निगेटिव, कैसे होगा, कोरोना भी अभी चला गया, व्यापार में कारोबार में यश नहीं है, मेरी सेहत ठीक नहीं रहती है, मुझे बहुत लोग परेशान करते हैं। यही आपके जीवन में होगा। अगर आप कहोगे कितना अच्छा जीवन है, कितना प्रसन्न जीवन है, इतने कोरोना में भी मैं बचा, मुझे कुछ नहीं हुआ, भगवान का मेरे ऊपर लाख लाख शुक्र है, इतना बहुत बुरा चल रहा है लेकिन मेरा तो कारोबार अच्छा चल रहा है, मैंने बहुत अच्छा इसी में से अच्छा किया, हाँ थोड़ा बहुत बुरा हुआ लेकिन बाकी चीजें तो अच्छी हुई। ऐसी सोच रखो, इसी सकारात्मक सोच से आप बहुत कुछ कर पाओगे। अगर आप यही चीजों को निगेटिव रटे जाओगे कुछ नहीं होगा। कहानी बताना चाहूंगा मैं, किसी को आपके जीवन में अगर कुछ पाना है भाई और बहनों, तो साईं बाबा का आशीर्वाद बहुत ही महत्वपूर्ण आशीर्वाद है। और यह आशीर्वाद है अपने जीवन से, अपने कार्य से, अपने लगन से, अपने मन से, अपने तन से, अपने धन से, अपने विचारों से, अपने क्रांति से, अपने कृति से और अपने फल से। यत्र योगेश्वरो कृष्णो, यत्र योगेश्वरः कृष्णो, यत्र पार्थो धनुर्धरः, यत्र श्रीर विजयो भूतिर धुआ नितिर मतिर मम। जहां भगवान कृष्ण है और जहां अर्जुन जैसा योद्धा है और जहां नीति के साथ चलने का प्रयास है वहां विजय पक्का है। जहां साईं बाबा का आशीर्वाद है, आपके जैसा सच्चे मार्ग और नीति के मार्ग पर चलने वाला इंसान है जो ध्यान और साईं वाणी, साईं क्रिया, साईं योग और साईं भक्ति से जुड़ा है, उसके जीवन में सफलता ही सफलता है।
कोई शंका नहीं है कि सफलता आएगी क्या नहीं आएगी, लेकिन हम कहां गलती करते हैं, मैं छोटी सी कहानी से आपको अनुग्रहित करूं। कहानी बड़ी प्रीतिपूर्ण है। एक गांव में एक आम इंसान रहता था, नाभिक का काम करता था, वो लोगों के बाल काटने का काम करता था, और वो बहुत बड़ी भगवान की भक्ति करता था, तो उसको भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होने के बाद उस नाभिक को कहते हैं कि तेरे पास आज जो पहला इंसान आएगा, उस इंसान को तू एक डंडे से मार ले, वो सोने का हो जाएगा, और तुरंत वो इंसान जिंदा भी रहेगा, निकल जाएगा, लेकिन वो सोने का हो जाएगा, और उससे तुम तुम्हारा जिंदगी भर सोने से पूरे गहने खरीद सकते हो, घर खरीद सकते हो, पैसा ही पैसा तेरे पास आएगा। रात को 3 बजे भगवान ने दिया वहां दृष्टांत था। वो नाभिक खुश होता है, लेकिन सोचता है ये तो सपना है, अभी थोड़ी ऐसा कुछ आएगा, और पहले ही 7:30-8 बजे उसके पास एक इंसान आ जाता है। वो सोचता है चलो जो सपने में देखा वो करेंगे, और वो एक लकड़ी से उसके सर पे मार देता है, वो नीचे गिर जाता है और तुरंत सोने का बन जाता है, और फिर से उसी का दूसरा शरीर निकल के चला जाता है। उसको खुशी होती है, वो सोने का शरीर उठा के अपने घर में रखता है और उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल के अपनी गुजरान शुरू करता है। ये कहानी है, इसको सिर्फ समझ लीजिएगा। फिर ये कहानी एक पड़ोसी इंसान भी नाभिक सुनता है कि ऐसा ऐसा मेरे पड़ोसी के पास हुआ है, वो तो बहुत गरीब था, अभी इतना अमीर हो चुका है, और उसको किसी ने ये कहानी सुनाई दी जाती है। अभी वो सोचता है मैं भी ऐसे 10 लोगों को इकट्ठा करके सुबह सुबह जो आएंगे उनको पकड़ूंगा, उनको मारूंगा। तो उनके पास जैन भिक्षु आते हैं सुबह सुबह भिक्षा मांगने, तो सोचता है कि जैन भिक्षुओं को मैं भिक्षा का ये करके उनको एक घर में पैक करता हूँ, बंद करता हूँ, और उनको मार के मैं अमीर बन जाऊंगा। तो उनको पकड़ के मारता है, 2 को मार देता है, बाकी 8 चिल्लाने लगते हैं। गांव वाले भी सोचते हैं कौन चिल्ला रहा है। फिर कोतवाल आ जाता है, उसको पकड़ के राजा के पास लेके जाते हैं। बोलते हैं मेरे पड़ोसी एक नाभिक था, उसने एक इंसान को मारा, उसने खून किया है, और वो इंसान सोने का बना, इसलिए मैंने सोचा मैं तो 10 को मार के 10 के सोनों को बनाऊंगा, और फिर उसको सजा हो जाती है। लेकिन राजा बोलता है कि जो नाभिक ने ऐसा किया उसको बुलाओ। फिर उसको बुलाया जाता है, फिर हाँ मैंने मुझे रात को 3 बजे मैंने तपस्या की थी, मुझे दृष्टांत मिला, लेकिन वो इंसान मारा तो इंसान अभी भी गांव में घूम रहा है, लेकिन उसकी एक प्रतिकृति का गहना मुझे मिला। लेकिन जीवन में हम वही करते हैं कि जो दूसरा कर रहा है। अरे आप खुद कुछ है ना बनने के लिए, गांव से उठ के लोग कुछ ऐसे लोग हैं जहां रहे वहां उन्होंने काम शुरू किया। एक संतरा बेचने वाले इंसान ने अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाया, इसलिए गांव के बच्चों के लिए उसने स्कूल खड़ा किया, संतरा बेचने वाला, उसको अभी पद्मश्री मिला। अपना कार्य ऐसा करो कि उस कार्य से समाज का बदलाव हो जाए। इसीलिए दृष्ट्वातु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। ये क्यों बीच बीच में हम इसे विचारधारा के प्रति क्यों भटक जाते हैं? भटको मत, दूसरे की नकल मत करो, सकारात्मक सोच। आज की पंचसूत्री है सकारात्मक सोच। दूसरा विषय बहुत महत्वपूर्ण है, वो है किसी की नकल मत करना। अपने जीवन पे अपने के लिए जो कार्य किया उसको रखो, उसके लिए भले थोड़ा समय लगेगा, लेकिन याद रखना वो समय एक दिन आपका दिन भी लाएगा और पूरी दुनिया आपकी मुरीद बन जाएगी। लेकिन उसके लिए पेशेंस नहीं है। हर कोई हड़बड़ी में आपको चाहिए, जल्दबाजी में चाहिए, घाई घाई में चाहिए, गुस्से में चाहिए, नहीं होता है ऐसा। क्यों होगा और ऐसी अपेक्षा आप क्यों करते हो? कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए, क्योंकि हर क्षेत्र में एक कुरुक्षेत्र है, और अपने जीवन में धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा माम का पांडवा क्षय व किम कुरुवत संजय। हर क्षेत्र में एक क्षेत्र है, अपने जीवन में करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमारी नजर हमारी ध्यान उस तरफ नहीं है। और वो ध्यान का जो मन है, लगन है, प्यार है, अपनापन है, सच्चाई है, एक मृदुता है, एक भावना है, एक मिलाप है, एक जोड़ है, वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान के माध्यम से आएगा। इसलिए कहीं बाहर मत ढूंढो भाई और बहनों, अपने अंदर जाने को एकदम एकदम ईगरली, एकदम जोश के साथ, एकदम एकदम पावर के साथ जाओ। आपको हर चीज वो मिलेगी जो आपके अंदर है। और एक बार वो मन में आनंद मिलने लगा तो काम क्रोध मद मत्सर लोभ अहंकार इन शरीरों से आप दूर जाओगे। और सच्चा इंसान जो काम में जिसकी शक्ति अड़ी हुई है वो ध्यान की तरफ जाएगी तो ज्ञान निकलेगा। जिसकी शक्ति क्रोध में बरसी है, मैं देखता हूं
हजारों करोड़ों लोग छोटे से क्रोध के लिए पूरा जिंदगी बर्बाद कर देते। अरे छोड़ दो क्रोध, प्यार से रहो। इस जीवन में प्यार ही सबसे महत्वपूर्ण है और प्यार करने वाला इंसान कभी धोखा नहीं देता, वो हमेशा खुश रहता है, उसको कभी कोई धोखा नहीं दे सकता। क्योंकि याद रखना, भगवान के यहाँ देर हो सकती है, अंधेर कभी नहीं होती। ये कहानियां, ये विचार, ये सुविचार ऐसी थोड़ी ना प्रचलित हुए है, उसके लिए तो कुछ ना कुछ तपश्चर्या की है और वो तपश्चर्या है अपने जीवन की तपश्चर्या। भाई और बहनों, विचारों के साथ जुड़ के बहुत कुछ करना है और हमें आगे जाके एक बलशाली शक्तिशाली विचारधारा वाला भारत बनाना है। और हमारे भारत देश को संबोधित करते समय विचारों के साथ, प्रगल्भता के साथ, शक्ति के साथ, भक्ति के साथ हमें आगे जाना है तो सिर्फ ध्यान को साई वाणी के माध्यम से जुड़ना है। मैं अभी अलग अलग शहरों में जा रहा हूं, बहुत सारे लोगों से जुड़ रहा हूं और जुड़ने के बाद मुझे एक शक्ति मिलती है, एक ताकत मिलती है और वो एक भक्ति के साथ जोड़ने की जो विचारधारा है, वो विचारधारा मुझे आगे लेके जा रही है और समाज में कुछ करने के लिए जो प्रवृत्त कर रही है। उसमें मैं आज इतना ही कहना चाहूंगा कि उठो, अपने अंदर झांकने का प्रयास आज से ही शुरू करो और साई वाणी करते करते जीवन में बदलाव लाओ। क्रांति तभी होती है जब अपने जीवन में बदलाव आता है, वरना क्रांति नहीं होती। क्रांति इतनी आसान बात नहीं है कि कोई उठे और ऐसे करे। क्रांति तभी हो सकती है कोई सिद्धत के साथ उसके लिए प्रयत्न करे। फिर इमोनियल कोए नाम का इंसान कहता है, जो आप चाहते हो वही आप पाते हो। पॉजिटिव सकारात्मक सोच, आपको खुद को हील करो। हर दिन उठने के बाद थोड़ा तकलीफ होगा, लोग आपको शायद पागल कहेंगे, कहने दो पागल, कोई फर्क नहीं करता। अच्छे काम के लिए पागल होना ही पड़ता है, तभी तो बड़े काम होते। जो भी बड़े बड़े काम हुए ना, वो पागल लोगों ने किए, क्योंकि उन्होंने बड़ा लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य इतना आसान नहीं होता, लक्ष्य को पाने के लिए सिद्धत से जिंदगी देनी पड़ती है भाई और बहनों, तभी नाम बनता है। और नाम एक दिन में नहीं बनता, उसके लिए प्रयास, सजगता, सत्यता, विचार, प्रगल्भता एकदम बहुत सटीक भावना से होनी चाहिए। ऐसी सारी कहानियां से तीसरा और महत्वपूर्ण गुरु मंत्र मैं आज देना चाहता हूं, प्रारंभ करो, जारी रखो। कोई जोश जोश में दो दिन में, चार दिन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, आठ दस दिन में उसका उत्साह कम हो जाता है और फिर जीवन में फेल हो जाता है। कुछ नहीं फायदा। अगर कुछ करना है तो सिद्धत से करो, कुछ करना है भावना से करो, कुछ करना है प्रगल्भता से करो, कुछ करना है शक्ति के साथ करो, वो तभी कुछ मिलेगा। ऐसे ऐसे कुतूहल कुछ भी नहीं चुकाता, इसलिए कुतूहल कुछ भी नहीं पाता। प्रयत्न, तपस्या, बहुत कुछ तप करो, साधना करो। एक साधना है, अपने शरीर को 100 साल बहुत सिर्फ विचार से फ्रेश रख सकते हो। सिर्फ पानी पी के भी 21-21 दिन लोग जिए हैं। साधना है, प्रगल्भ शक्ति है, प्रखल्भता है, प्रेम है, विश्वास है, समर्पण है, त्याग है, अपनापन है, भूमिका है, भावना है। ऐसे शब्द आप जब सुनते हो ना तो बहुत मजा आता है, क्योंकि जिंदगी एक बहुत बहुत सुनहरा पल है भाई और बहनों। इस सुनहरे पल को जीने के लिए जान डालो उसमें। अगर आप हर दिन खुशी से रहोगे ना तो आपकी जिंदगी भी खुशी बनेगी। अगर हर दिन दुखी रहोगे ना तो दुखी आपके पास आएंगे। अगर खुश रहोगे तो सब खुशियां आपके पास आएगी। इसीलिए saivanitrust.org और साईवानी ऐप, मैं आज भी विनती करना चाहता हूं, साईवानी ऐप को आप डाउनलोड करो और हर दिन उसमें हमारा एक साईवानी का एपिसोड ऐप में भी आता है, उसको आप जरूर सुनो। क्योंकि इस सब काम के लिए मेरा मित्र सुदर्शन, मेरा मित्र बालाजी बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेरे से लगे हैं और इतना मेहनत करके वो सब आपके लोगों के पास ये अच्छे विचार दे रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ, ये साई का आशीर्वाद हो भाई और बहनों। इस कार्य को जोड़ने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन समर्पित किया है, उसका अपने जीवन में लाभ उठाए। अगर विद्यार्थी है तो अच्छा मार्क्स पाने वाला, सर्वगुण संपन्न अच्छा नागरिक बनने के लिए विद्यार्थी तैयार हो जाए। अगर कोई व्यापारी है तो ना थके हुए कर्म योग की तरह अपना कर्म करे, क्योंकि कर्म ही सब कुछ है, विदाउट कर्म कुछ भी नहीं है। ज्ञान योग, भक्ति योग तो है ही, लेकिन कर्म योग आपके जीवन में आपको बहुत खुश रखेगा और सेहतमंद रखेगा। तीसरा और महत्वपूर्ण चौथा विषय है, वो है सरलता। आज एक प्रण करो कि आप पूरे जीवन में किसी को भी दुखाओगे नहीं। ठीक है, व्यवहार में कम ज्यादा होगा, आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन किसी को दुखी मत करना। क्योंकि भाई और बहनों, दुख शब्द से होता है और शब्द कभी कहीं ईजा नहीं करते, लेकिन उससे जो घाव बनता है ना, वो जिंदगी भर लोग अपने साथ लेके घूमते हैं और उसमें परेशान होके मर जाते हैं। कभी किसी को दुखाओ मत।
जिंदगी बहुत अच्छी चीज है, उसको शांति से जियो, क्योंकि जो सुख आप दूसरों को दोगे ना, 10 गुना सुख आपको मिलेगा। ये मेरा शब्द वही बार बार कोई शब्द रहेंगे। आप कहेंगे गुरुजी आप बार बार वही शब्द को दोहराते हो, क्योंकि मैं इसलिए दोहराता हूं कि उसको जब तक दुनिया नहीं आएगी तब तक दुनिया में कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए आखिरी में यह संदेश बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, जीवन में क्रांति करो और अपने जीवन में साई वाणी को सुन के जीवन में बदलाव लाओ। क्योंकि अभी अभी देवगांव गाड़ा तालुका दौंड जिला पुणे में जो सेंटर बन रहा है, जो साई का सेंटर बन रहा है, वो एक भक्ति का सेंटर है, शक्ति का सेंटर है, सादगी का सेंटर है और अपने सबके अंदर की ऊर्जा को बढ़ाने का सेंटर है। इसी सेंटर के माध्यम से हम क्रांति करने जा रहे हैं अभी बहुत सारी जगह पे। और मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं, 1008 साई बाबा के ध्यान के केंद्र बनाने का मैंने प्रयास किया और जो भी ध्यान केंद्र रहेगा वो भक्ति वाला केंद्र रहेगा, शक्ति वाला केंद्र रहेगा और वहां से शक्ति प्रकट होगी पूरे विश्व में। 1008 मंदिर साई बाबा के बनाएंगे। ओम साई राम प्रणाम। ओम साई राम, प्रारंभ करो जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है और अपने संकल्प के प्रति अड़िग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपनी शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आए और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साई बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है, साई आंगन। इस नाम से यह जाना जाता है। देउर गांव गाड़ा तालुका दौंड जिला पुणे, यहां साई आंगन की और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मित करते हुए उन्होंने यहाँ निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहाँ बच्चे पढ़े और जहाँ बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मय श्री गुरुवे नमः, इसका ज्ञान ले पाए। इसी के लिए इसे पूरी तरह से CBSE एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साईवाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने saivanitrust.org इस ई-कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई-कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए saivanitrust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहां आए, ये बाबा की नगरी है। यहां बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607। ओम साई राम, प्रारंभ करो जारी रखो।